टिप्स एंड रेमेडी चैनल में मैं दीक्षा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि चेहरे के अनचाहे बालों को निकालने के असरदार उपायों के बारे में। पर ये वीडियो आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। महिलाओं की सुंदरता उनके चेहरे से ही झलकती है और इस चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अगर चेहरे पर अनचाहे बाल हों तो वो हमारे चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकते हैं। आजकल मार्केट में आपने देखा ही होगा कि हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन अनचाहे बालों को निकालने के लिए। पर क्या ये प्रोडक्ट सेफ होते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स से आपको स्किन में एलर्जी या फिर जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ नेचुरल तरीके इन बालों को निकालने के, जिससे आपको बालों से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। पहला उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए बेसन, हल्दी और कच्चा दूध। बेसन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक जैसे तत्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक ग्लो आता है और त्वचा गोरी भी बन जाती है। और कच्चा दूध हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है। तो ये पैक बनाने के लिए आपको लेना होगा 2 चम्मच बेसन, उसमें डालें चुटकी भर हल्दी और 2 चम्मच कच्चा दूध। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और ये पेस्ट रगड़ रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाएं। लगाकर इसे 15 मिनट तक छोड़ दें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद इस पेस्ट को रगड़ रगड़ कर अपने त्वचा पर से निकालें। आप देखेंगे कि आपको अनचाहे बालों से मुक्ति मिल जाएगी। अनचाहे बालों को निकालने के लिए मेरा दूसरा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे चेहरे के बालों को निकालने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेथी दाने में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, विटामिन ए, विटामिन सी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो के रखें। अगर आप चाहें तो आप दिन में इसे 6 घंटे तक भिगोकर रख सकती हैं। भिगोने के बाद आप उसका एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में चुटकी भर हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इन दोनों के मिश्रण को चेहरे पर लगाकर सूखने दीजिए। बाद में इसे स्क्रब करते हुए निकालें। इससे चेहरे पर से अनचाहे बाल निकल जाएंगे। अगर आप ये उपाय हमेशा करेंगी तो आपके चेहरे पर जो भी अनचाहे बाल हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और कम होकर ये फाइनली रुक भी जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।